माय डियर कैंडिडेट, कल के जॉब हंट ड्राइव जो 277th जॉब हंट ड्राइव है, आप सब इंतज़ार कर रहे हैं नॉर्मली कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, कौन कौन सी प्रोफाइल्स हैं। आज बहुत सारी कंपनीज़ में बात करी गई है, सबके अलग अलग प्रोफाइल्स पैकेजेस आए हैं। माय डियर कैंडिडेट, mysurejob.com और जॉब हंट ड्राइव जो ये पूरा वीक का जो फेस्टिवल है सैटरडे का, हम लोगों के लिए फेस्टिवल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए भी एक बड़ी चीज़ है ये, अगर जो लोग इसको एक्नॉलेज करते हैं। इसलिए फेस्टिवल है क्योंकि जब बहुत सारी कंपनीज़ में बात करता हूँ और नेचुरल रूप से बहुत सारी कंपनीज़ ये बात को कहती हैं कि आप एक अच्छा काम भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ये और बड़ी बात है, और साथ में आपका ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ये सारी बातें जब सुनने को आती हैं तो अच्छा भी लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइनिंग ले रहे हैं, कंपनीज़ को भी एक्नॉलेज हो रहा है कि कोई संस्था कानपुर में ऐसी है जो नॉन स्टॉप लगातार अच्छे कैंडिडेट को चुनना भेजना ये लगातार कर रही है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। माय डियर कैंडिडेट, अगर मैं कुछ बातें आपसे केवल कहूँ कि सही पूछिए तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, आपका इंटरव्यूज़ में कंपनी के JD के हिसाब से आपको रिज्यूम भेजना और एक्टिव पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा कि आपको जॉब के लिए, आप एक अच्छी जॉब के लिए कई इंटरव्यूज देने को रेडी हैं, ये केवल आपका इंटरेस्ट केवल आपके लिए कई ऑप्शन क्रिएट कर देता है। मेरे पास रोज़ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनका इंटरेस्ट है कि मुझे कंपनी मिल जाए, पैकेज मिल जाए, वो रियलिटी में अपने आप कन्वर्जन्स का रेट चालू हो जाता है। फिलहाल मैं बहुत लंबा आज नहीं जाता हूँ आपसे, सीधे कंपनीज़ में आता हूँ जिससे आपको मेजर कंपनीज़ के बारे में पता चले। बट मैं कुछ आपको ज़रूर ये कहूँगा, कल जॉब हंट ड्राइव में सबको आना कंपलसरी है। जो कैंडिडेट्स जॉब हंट ड्राइव में नहीं आ रहे हैं उनको हम लोग कंपनीज दे भी कम रहे हैं, अब उनके लिए हम लोग ये नहीं कर सकते कि उनकी ओर से एक्टिव पार्टिसिपेशन कम हो और वो ये चाहते हों कि बार बार हमें याद किया जाए। उनको खुद अपने लिए जागरूक रहना है, अलर्ट रहना है, कौन सी कंपनी है, किस में हमारी भागीदारी है, अदरवाइज़ उनको बार बार जागरूक नहीं किया जा सकता है। सिग्मा स्लॉटिंग में कारपोरेट सेल्स मैनेजर 9 लाख से 15 लाख का पैकेज है। इंडस्ट्रियल सेल्स के जो कैंडिडेट हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर 40 के पैकेज की रिक्वायरमेंट है। ये आज की बातचीत के बेसिस पे आपको शेयर कर रहा हूँ। सेल्जर होम केयर में स्टोर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, स्टोर के बंदे की रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है, सेल्स के लिए बंदे इनको अर्जेंट चाहिए, FMCG ग्रुप के इमीडिएट कानपुर बेसिस में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। PNC इंफ्राटेक में लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, मथुरा के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर अकाउंट ऑफिसर SAP, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट SAP 4 लाख से 20 लाख का पैकेज है। माय डियर कैंडिडेट, ये छोटी सी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, और इनमें से हमारे यहाँ से कई कैंडिडेट की प्रोफाइल शेयर होने के बाद में एक दो इंटरव्यूज़ भी लिए गए हैं। निनफॉक्स लॉजिस्टिक में भरुआ सुमेरपुर में रिक्वायरमेंट है इनको असिस्टेंट मैनेजर HR 4 लाख से 6 लाख की, जो भरुआ सुमेरपुर में वर्क कर सकते हों। लिनफॉक्स लॉजिस्टिक में आज बात हुई है, उनमें अर्जेंट रूप से ज्वाइनिंग हो सकती है। जैगमनी माइक्रोनेट में प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख से 6-7 लाख की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। ऋतु हाउसिंग में क्लब मैनेजर 2 लाख से 4 लाख का चाहिए। JK सीमेंट ग्रुप का जो पूरा प्रोफाइल है कानपुर बेस्ड में इनको चाहिए। जैगमनी माइक्रोनेट में मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन मैनेजर की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। MKU लिमिटेड में मैनेजर इंटरनेशनल सेल्स 12 लाख से 20 लाख, फीमेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 3 लाख से 6 लाख की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। गंगोत्री इसेंशियल ऑयल्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव 1.75 लाख से 3 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। CUGL में लखनऊ और अयोध्या के लिए जो ITI होल्डर्स हैं उनके लिए इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है, बट ये लखनऊ में है। अगले सैटरडे को अगर कोई चाहते होंगे, वैसे तो कल भी आने को रेडी थे बट वो कल कन्फर्मेशन देंगे, लखनऊ और अयोध्या के लिए इनके पास रिक्वायरमेंट है ITI होल्डर्स की, इनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। फोरमैन इंडस्ट्रीज़ में आज इसमें बात हो पाई, ये जबलपुर में इनको रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ITI होल्डर्स की 10 से 50 का पैकेज है। गणपति टैक्सो में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, जिनका MS ऑफिस अच्छा हो उनके लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में बैक ऑफिस कम परचेज एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, नॉलेज ऑफ इंस्पेक्शन की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। UI ट्रिब्यूनलो में सेल्स मैनेजर 25 के पैकेज का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ये इंडस्ट्रियल सेल्स में चाहिए। विक्रांत ग्रुप में ई टेंडर एग्जीक्यूटिव 25,
एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन 15 की पैकेज क्या रिक्वायरमेंट है। सेटी एक्सपोर्ट में सीएनसी बीएमसी ऑपरेटर के जितने भी कैंडिडेट हैं जो इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहते हैं उसी का उसी दिन चाहते हैं, उनकी ज्वाइनिंग इमीडिएट हो सकती है जो सीएनसी बीएमसी ऑपरेटर हैं टेक्निकल में, बहुत अर्जेंट उनको रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में ग्राफिक डिज़ाइनर हैविंग ए नॉलेज ऑफ कोरल फोटोशॉप इलस्ट्रेटर की ज़रूरत है। फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉमर्स का जो है 25 का पैकेज का रिक्वायरमेंट है। स्काईटेक स्विचगेयर में जूनियर अकाउंटेंट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ टैली हैविंग एबिलिटी टू मेंटेन स्टॉक का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। भारत ऑयल में एमआईएस एग्जीक्यूटिव गाजियाबाद और अकबरपुर कानपुर देहात के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है। मोनिटी में परचेज एग्जीक्यूटिव दादानगर के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जिसमें चाहिए, साथ में इनको जूनियर अकाउंटेंट भी चाहिए। फीमेल्स के लिए इनके पास में रिक्वायरमेंट है जो कारपेट सेल्स के लिए इनको रिक्वायरमेंट है। सेल्स एग्जीक्यूटिव मॉडर्न ट्रेड की रिक्वायरमेंट है। तीसरा इनके पास में रूरल अर्बन एरिया की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। फीमेल्स में भी रिक्वायरमेंट जो है वो एक कारपेट सेल्स की रिक्वायरमेंट है। अशोक मसाले में स्टोर एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट मैनुअल एंड सिस्टम मोड दोनों के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। टीपीआई में टू फीमेल रिक्वायर्ड फॉर टेली सेल्स मार्केटिंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। लोहिया कॉर्प में ये सीनियर कैंडिडेट के लिए प्रोफाइल है 15 लाख से 25 लाख का ये अर्जेंट ज्वाइनिंग है। वंसल पम्प में मैंने आपसे बता दिया कि प्लांट हेड में हमारे यहाँ से एक बंदे ज्वाइन हो चुकी है, सीनियर कैंडिडेट हैं। प्रोडक्शन मैनेजर वर्कशॉप इंजीनियर 3 लाख टू 2 लाख। आईटी एक्सक्यूटिव टेक्सटाइल लैब टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ये लोहिया थ्रेड में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये चार बहुत हॉट रिक्वायरमेंट हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। जगबनी माइक्रोड में मर्चेंडाइजर 55 के पैकेज के अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। संभू कंस्ट्रक्शन कल कंपनीज ये यहाँ पे रहेगी, इसमें सेल्स इसमें सभी फीमेल्स के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सभी फीमेल जितनी भी फीमेल्स है कल आना उनके लिए कंपलसरी है। जो 15 से ऊपर के लिए पैकेज चाहते हैं वो किदवई नगर बेस पे है उनके लिए है। ये सेल्स कोऑर्डिनेटर प्रोफाइल है। सेल्स जो इसमें बेसिकली फील्ड एग्जीक्यूटिव में भी रिक्वायरमेंट अर्जेंट है और सेल्स हेड की प्रोफाइल भी है। तो कल इनमें सब ये आएंगे जरूर, कल एक से लेकर के 3 तक में कन्फर्मेशन का एक आया था, अभी कॉल आया था तो याद भी है। तो इसमें सारी फीमेल्स के लिए कंपलसरी है आना कल इनमें एक ज्वाइनिंग के लिए। आईटी हेड कपिला ग्रुप में चाहिए। रॉ मटेरियल हॉल इंचार्ज चाहिए। फैक्ट्री ऑफिस ग्रेजुएट के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। पंकी ऑक्सीजन में मेच्योर सुपरवाइजर चाहिए, एज 30+ हो। एमपी बिरला में मेल फीमेल अकाउंट एग्जीक्यूटिव चाहिए। प्रिसिटेक्स में एक्सपीरियंस एमबीए गुड इंग्लिश इंडस्ट्रियल सेल्स के लिए बंदे इनको चाहिए। इक्यू प्लस में स्टोर कीपर चाहिए। वैभव वायल्स में सिविल साइट इंजीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैविंग एबिलिटी टू जनरेट डिस्ट्रीब्यूटर। डिजी वे नेट में सेल्स मैनेजर सेल्स एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माँ शारदा में सीनियर अकाउंटेंट चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एसके बेकर्स में सीनियर अकाउंटेंट 20 का पैकेज है। कानपुर लॉजिस्टिक में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट 40 का पैकेज है। कैलिन लाइट्स में मेच्योर डिप्लोमा मैकेनिकल बीएससी कैंडिडेट फॉर सुपरवाइजर। एसएनआरवी में मेल फीमेल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, कम रिक्वायरमेंट आती है इसकी। सदकीर्ति में मेच्योर फीमेल ऑफिस असिस्टेंट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एसजी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस एंड नीडी सुपरवाइजर चाहिए। रोटोमैक पम्प में मजाक मशीन प्रोग्रामर कम ऑपरेटर, सीएनसी मशीन सेटर कम ऑपरेटर, प्रोडक्शन इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। 360 आईटी सॉल्यूशन में पीएचपी सीएसएस वर्डप्रेस जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल जेक्यूरी बूट्स स्टेप में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, ये प्रोफाइल में सीनियर का अगर आप देखेंगे तो 25 से 30 लाख के पैकेज का है। आप जनरल आप एक बहुत कम्बिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिकल टेक्निकल मैकेनिकल फिटर के साथ साथ में आपको जो ऑफिस प्रोफाइल में अकाउंट जूनियर सीनियर सारे अकाउंट्स की प्रोफाइल भी इसमें है, सुपरवाइजर भी है, अर्जेंटली जिनको रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, ये एक बहुत बढ़िया एक कम्बिनेशन है जिसमें आपके पास में आपके ड्रीम कंपनी और एक्सपीरियंस के लिए बड़े पैकेजेस की कंपनी भी है। एवरेज कैंडिडेट जो है नॉर्मल हैं जो 2 और 3 ईयर्स हैं उनके लिए भी अच्छे पैकेजेस की सभी कैटेगरी की जॉब हैं। जो एकदम ही फ्रेशर हैं जो नॉर्मल एक ज्वाइन करके अपना स्टार्टअप चाहते हैं जिससे उनको सीखने को मिल पाए उनके लिए भी अलग से बहुत सारी कंपनीज की प्रोफाइल्स हैं। माय डियर कैंडिडेट, एवरी वीक को हम हर सप्ताह हम लोग सिर्फ एक काम कर रहे हैं,
आपके पास कैसे कंपनी पहुंचे, आप कैसे कंपनी के पास जाएं, आपको बेस्ट जॉब कैसे मिले और उन कंपनीज को भी सही कैंडिडेट कैसे मिल जाए। ये एफर्ट्स लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। इस बात के लिए आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर वीक का एक पिटारा आपके पास आता है कंपनीज का, प्रोफाइल्स का, पैकेजेस का। फीमेल्स के लिए कल बहुत कंपलसरी है ज्वाइनिंग के लिए आना। किदवई नगर बेस पे जो फीमेल्स हैं उनके लिए इमीडिएटली ज्वाइनिंग के लिए आना जरूरी है, क्योंकि फीमेल्स के लिए अगर एक जगह पे वो आ जाते हैं तो बार बार उनको जाना नहीं पड़ेगा, एक जगह पे उनको फाइनलाइजेशन हो सकते हैं। आज भी कई सारी फीमेल्स को भेजा गया था, इसलिए इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि कल आपकी प्रोफाइल के पैकेज के साथ आना है। गर्मी थोड़ी ज़्यादा होगी तो पानी की बोतल के साथ में आना है, बट थोड़ी सी बैठने की हिम्मत, मानसिक रूप से प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप कुछ छोड़ रहे हैं, गर्मी फैसिलिटीज़ कम ले रहे हैं, तो आपको नेचुरल है कि आपके पास में वो कैंडिडेट जो गर्मी की वजह से नहीं आ रहे हैं, आप कम में हो सकता है कि आपके पास एक बहुत आसानी से कोई चीज़ आ जाए। ये सारी कंपनी जो मैंने आपको बताई, इनमें से कुछ कंपनीज आएंगी, कुछ में सीधे भेजा जाएगा, कुछ में टेलीफोनिक होगा, कुछ में नेक्स्ट वीक का शेड्यूल होगा, कुछ कंपनीज यहाँ भी रहेंगी, बट सारी कंपनीज में रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। अभी भी कई ऐसी कंपनीज हैं जिनको मैं मॉर्निंग तक में या कल इवनिंग तक में जैसे टाइम लगेगा, क्योंकि मैसेजेस जब भी दिए जाते हैं तब वो अलग से रिप्लाई करते हैं। तो इन कंपनीज़ में इनके अलावा भी बहुत सारी 5% ऐसी कंपनी भी हैं, 5-6 कंपनी जिन्होंने फॉर्मल, चूँकि वहाँ पे वर्किंग कुछ कैंडिडेट कर रहे हैं वो, उसकी वजह से वो उनको बहुत पब्लिसाइज नहीं करना चाहते हैं, बट कई जगह पे रिक्वायरमेंट है। और आप पुराने अगर वीडियोज़ को देख रहे होंगे, जैसे श्यामा फैब्रिक में एक रिक्वायरमेंट आई थी जरीब चौकी के पास में, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस की मैंने कई रिक्वायरमेंट आपके साथ में अकाउंट से लेकर के ग्राफिक डिज़ाइनर, कोरल, सारी डिस्कस करी हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। इवन पुराने कर कुछ वीडियोस आप देखेंगे तो उसको रिपीट नहीं किया गया है कि उसके, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो शेयर किया गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि आज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अलग अलग प्रोफाइल की अलग अलग कंपनीज़ में रिक्वायरमेंट्स की प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। आपका पार्टिसिपेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इंटरव्यूज बढ़ते जाएंगे, आप अच्छे से करते जाएंगे, पैकेजेस आपके और खींच के आएंगे। मैंने कई लोगों को देखा है कानपुर में, वो रहे भी कानपुर के हैं भी, कानपुर के बारे में जानते भी हैं, लेकिन कभी उन्होंने गहराई से नहीं देखा। दो चार फ्रेंड्स या फ्रेंड सर्कल से सिर्फ एक लाइन बोलते रहते हैं, अभी कानपुर में कुछ है नहीं, कानपुर में पैकेज नहीं है। ये मिथ कोरोना के बाद में दूर हुई है, जिनके पैकेजेस अच्छे आए, जिन्होंने पैकेजेस अच्छे आने के बाद में, उनको हो सकता है कि कंपनी का नाम कम हो बट उनके पैकेजेस अच्छे आए हैं और लगातार वो उनकी ज़रूरत बन गए हैं, कंपनी को पूरा मैनेज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण कोरोना के बाद से आए। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, ये ज़रूर मान के चलिए कि अगर किसी एक वीडियो में सारी कंपनीज नहीं बताई गई तो पुराने 3 वीडियोज़ को पूरा पूरा देखने की आदत जरूर डालिए और लोगों में शेयर करिए, लोगों को बताइए कि कल का जॉब एंड ड्राइव मिस नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysurejob.com। थैंक यू।